हेलो माय फ्रेंड। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएंगे एडोब फोटोशॉप 7 पे। तो जब भी प्रोफेशनल थंबनेल बनाएंगे तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक साइज़ मैंने लिया हुआ है, वो साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा साइज़ है जो मैं चूज़ करता हूँ प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए। यूट्यूब पर अपलोडिंग के लिए मैं प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं साइज़ भी आज दिखा देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें गाइडलाइन करूँगा। ये देखें, ये एक प्रोफेशनल थंबनेल मैंने बनाया है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं और ये आप जो है पीछे तस्वीर दे सकते हैं। यहाँ पे आप प्ले का बटन दबा सकते हैं ताकि अगर आप फेसबुक वगैरह पे डालें तो इसके पीछे ये, और ये मैं वाइट इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से एडोब फोटोशॉप 7 मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक तरीका इसका बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम होता है, इस पर किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से लेयर खोल लीजिएगा, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से देख लें आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये आप ताला था, इसको हमने खोला, डबल क्लिक किया, लेयर खुल गई। अब ये देख लें साइज़, तो इमेज में जाएंगे, देख लें। सबसे पहले मैं इमेज में जाता हूँ, ये देखें इमेज में जाऊँगा। इमेज में जाने के बाद ये साइज़ है, इमेज साइज़, ये देखें ये इमेज साइज़ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर चले जाएंगे, ये देखें इमेज साइज़ पर चले गए। उसके बाद मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इमेज साइज़ में जैसे चले जाएंगे आप, तो यहाँ पे इसका साइज़ नज़र आ जाएगा कि भाई साइज़ कितना है इसको। प्रोफेशनल थंबनेल का ये साइज़ होता है 1280 और 720 पिक्सल, लिख लीजिएगा। 1280 इसकी विड्थ होती है, 720 इसकी हाइट होती है। अच्छा, सबसे पहले ये पिक्चर है, ये पिक्चर आपने लानी है, ठीक है। 1280 और 720 पिक्चर लाने के लिए फाइल में, अच्छा सबसे पहले न्यू जाएंगे, कंट्रोल, ये देखें न्यू, मैं आपको मैं करके दिखा दूँ, ये न्यू है। 1280 लेना है आपने, 1280, और यहाँ से लेना है आपने 720, ठीक है, पिक्सल में लेना है, ठीक है। इसको आपने 300 करना है, रिजोल्यूशन को आपने क्या करना है, 300 करना है। याद रखिएगा रिजोल्यूशन आप कितना रखेंगे, 300 रखेंगे, ठीक है। और आपने यहाँ से ओके कर दिए, साइज़ मिल गया, 1280 विड्थ होती है और 780 इसकी क्या नाम है हाइट होती है यूट्यूब के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले ताला खोलना है, यहाँ से ताला खोल दीजिएगा, ताला खोल दीजिएगा यहाँ से। सबसे पहले ताला खोलने के बाद आपने काम करना है यहाँ से। उसके बाद सबसे पहले फाइल में जाएं और ओपन में जाएं, एक तस्वीर ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी अच्छी सी तस्वीर ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पे अच्छी सी पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, अच्छी सी कोई भी अच्छी सी तस्वीर ले लें यहाँ से। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर मुझे चाहिए, कोई फोटोग्राफी का थंबनेल बनाना है, तो यहाँ पर ये लाए, ये पकड़ के कंट्रोल टी का बटन दबाया आपने, इसको बड़ा कर दिया, यहाँ से इंटर किया, इसे बड़ा हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा साइड में कर दीजिएगा, फिर कंट्रोल टी का बटन दबाइएगा, शिफ्ट दबा के यहाँ से बड़ा करें, उसके बाद यहाँ से बड़ा करें, उसके बाद यहाँ से बड़ा करें, उसके बाद यहाँ से बड़ा करें, ये चारों तरफ से बड़ी हो गई, फिर इंटर कर दीजिएगा। फिर आप चाह रहे हैं कि भाई एक रेक्टेंगल भी बन जाए, इसको थोड़ी सी क्या कीजिएगा, अपोसिटी यहाँ से आप कम कर दें थोड़ी सी, ताकि ये थोड़ा सा इसके ऊपर मैं काम कर सकूँ, तो नज़र आई। यहाँ से अपोसिटी कम कर दी मैंने, अपोसिटी कम करने के बाद यहाँ पे मैं आया, ये रेक्टेंगल टूल ले लिया, यहाँ पे एक मैंने बना दिया। इस पर वाइट कलर नहीं लेना आपने, ब्लैक टाइप का लेना है, ये ब्लैक टाइप का। और उसके बाद यहाँ से इसकी अपोसिटी आपने थोड़ी कम कर देनी है, ये देखिए कम कर दी। उसके बाद फिर आपने यहाँ से टेक्स्ट ले लेना, ये देखें यहाँ से टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और वाइट ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ वाइट ले लेते हैं। और यहाँ पे आप आ गए, 18 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया कि फोटोग्राफी ट्रेनिंग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो भाई इसको आप थोड़ा सेंटर भी कर सकते हैं, ये बटन इंटर का काम करता है। फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करें कंट्रोल दबा के, ठीक है, फिर ऑल्टर दबा के इसको नीचे लाएंगे तो इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाती है, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर बनने के बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे एक बार, फिर ऑल्टर दबा के लाएंगे तो फिर इसकी डुप्लीकेट लेयर बन गई। फिर टी का बटन दबाएंगे, टेक्स्ट, फिर इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल, इस तरीके से आप, अच्छा माय चैनल इस तरीके से आपने लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया आपने। उसके बाद आपने इसको जो है ना यहाँ पे सब्सक्राइब पर बटन दबा दिया, और उसके बाद यहाँ पे ये येलो कलर दे दें, येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे चाहें तो आप अपनी पिक्चर भी ला सकते हैं, और फाइल में जाके सेव एज करके, और यहाँ पे अपने नाम दे दीजिएगा कहाँ पे सेव करना है, और JPG याद रखिएगा आपने किस में सेव करना है, JPG में सेव करेंगे तो YouTube पे फिर यहीं से डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमने आपको प्रोफेशनल थंबनेल बनाने का तरीका बताया है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको डिफरेंट YouTube के चैनल बनाना सिखाएंगे, आपको थंबनेल बनाना सिखाएंगे। शुक्रिया।